हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। ये पाठशाला डेली आपके लिए हर सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आती है और मैं लेकर आती हूँ हिंदी। हिंदी पढ़ाती हूँ, नाम है रूपाली वर्मा। अच्छी तरह वाकिफ हैं आप सभी, हिंदी हमसे काफी टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो चलिए आज शुरू कर रही हूँ क्लास टेंथ की क्लास, यानी क्लास टेंथ हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है शतज भाग दो। इसका अध्याय करा रहे हैं चौथा हम, उत्साह अट नहीं रही। ये पाठ हमने आपको अभी तक पढ़ा दिया है, इसके वन शॉट रिविजन कराया मैंने, यानी कि लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन कराया और साथ ही व्याख्या बताई। फिर उसके बाद मैंने आपको कराया एनसीईआरटी सॉल्यूशन, यानी इसी चैप्टर के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस के आंसर्स कराए। फिर उसके बाद करा दिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए ताकि आप अच्छे से चैप्टर को समझ सकें। चलिए अब आ जाते हैं आज की वीडियो पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इसी चैप्टर से लिए गए हैं लेकिन अभी तक हमने पढ़े नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या एक है, बादलों के रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिए। बादलों का बड़ा अच्छा सा वर्णन इस कविता में किया गया है, उत्साह कविता में, तो आपको भी उसी तरीके से बड़े अच्छे से वर्णन करना है। ध्यान रखिएगा कि देखिए काव्य पंक्तियों में अक्सर ये चीज होती है, ध्यान रखना, अक्सर ये चीज होती है। क्या होती है कि जो हमारे पास काव्य पंक्तियों में लिखा है उसे हमें सरल हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए अक्सर ये परेशानी होती है कि हम इसको कैसे लिखें। तो इसका अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हो, जैसे क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर हम कैसे लिखें, तो जब हम आपको लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं हर एक लाइन का, तो उसे आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब आप उसे ध्यान से सुनोगे तो कविता में जो सामने पंक्तियां लिखी है वो तो हमें समझ में आती आती है, लेकिन उसके पीछे कवि जो कहना चाह रहे हैं वो भी मैं आपको समझाती हूं। तो वो एक्सप्लेनेशन जब आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे लिखने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो जब मैंने आपको ये बताया था तो उसमें कई तरीके से उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया, जैसे ललित ललित काले घुंघराले ये बाल थे ना उनके, तो उसी तरीके से और भी जगह पर है। देखिए क्या है, बादल सुंदर काले और घुंघराले बालों जैसे हैं। कैसे हैं, जो नए नए ललित ललित अर्थात नए नए काले काले घुंघराले जैसे बालों जैसे सुंदर हैं, उनके हृदय में बिजली का निवास है। क्या निवास करता है, बिजली निवास करती है। वे अपनी भयंकर गर्जना से उत्साह प्रकट करते हैं। अब बिजली जब कड़कती है तो वो तब देखिए, और जब बादल गर्जन करते हैं घड़घड़ घड़कर करके गरजते हैं ना, तो वो हमें कितना ज्यादा उत्साह एक्साइटमेंट हमारे अंदर पैदा करते हैं। ये वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं। जाहिर सी बात है पानी हम सभी के लिए, पृथ्वी पे या पेड़ पौधे प्राणी जिनको भी ले लीजिए, सभी के लिए पानी बेसिक जरूरत है, अगर नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो अब गर्मी के मौसम में जो हम सब इतना परेशान हो चुके होते हैं, उन सभी को नवजीवन इन बारिश के बादलों से ही मिलता है, और साथ ही पीड़ित प्यासे मनुष्य की इच्छाओं को भी पूरा करता है। अब हम सभी देखिए, गर्मी का मौसम होता है ना, सभी जगह पानी की क्राइसिस शुरू हो जाती है, गांव हो आपके शहर हो सभी जगह होता है, क्योंकि पानी नहीं होता तो उनकी प्यास बुझाने का, क्योंकि सभी जगह नदी नालों में पानी भरपूर होने लगता है जब बादल बरसते हैं, तो ये जो पानी की क्राइसिस हम लोग गुजर रहे होते हैं ना वो भी हमारी खत्म हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने बादलों को मानव मन को सुख से भर देने वाला क्यों कहा है, क्यों उन्होंने बोला कि ये मन है मानव मन इसको सुख से भर देता है। दूसरा दिया इसी में, कवि को बादल मन को सुख देने वाले क्यों लगते हैं, क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि ये मन को सुख देने वाले। जाहिर सी बात है कि जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो तकलीफ होती है, तो जब ये हमारे पास आते हैं पानी, हमारी जरूरत मेन बेसिक जो एक हमें ठंडा वेदर चाहिए और पानी चाहिए, ये दोनों चीजें जो हैं हमें बादल के थ्रू मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है मन सुख से भरेगा ही ना। देखिए कैसे लिखा है, कवि ने बादलों को मानव मन से को सुख से भर देने वाला इसलिए कहा है क्योंकि जब बादल अपने हृदय में बिजली की चमक लिए आते हैं और वर्षा करते हैं तो भयंकर गर्मी से बेचैन और उदास दर्शी पर रहने वाले प्राणी स्वयं को प्रसन्न और सुखी महसूस करते हैं।
तो समझ में आया ना कि भाई हम इतने दिनों से गर्मी झेल रहे थे, एक तो इतना गर्म तप, फिर दूसरी बात क्या है, पानी की कमी, चारों तरफ जो है पेड़ पौधे मुरझा चुके हैं, जो जीव जंतु हैं वो भी पानी के लिए तरस रहे हैं, इवन हम मनुष्य भी पानी के लिए तरस रहे होते हैं, गर्मी से निजात चाहते हैं। तो ये बादल जो है ना, जहां हमें गर्मी से छुटकारा दिलाते हैं वहीं हमारी प्यास को भी बुझाते हैं, इसीलिए वो हमको सुख से हमारे मन को भर देते, इसीलिए कवि ने इनको मानव मन को सुख से भर देने वाला कहा है। प्रश्न संख्या 3 है, विद्युत छवि उर्मे पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब विद्युत छवि उर्मे यानी कि बिजली जो होती है वो उनके हृदय में छिपी होती है, कहां छिपी होती है, उनके हृदय में, किनके हृदय में, बादलों के हृदय में छिपी होती है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति का अर्थ है कि बादलों के हृदय में बिजली की जो रेखा है वो मानव समुदाय को नया जीवन देने वाली अद्भुत शक्ति है। अब इसको इस तरीके से भी समझिए, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें कड़वी दवाइयां खानी पड़ती हैं, खानी पड़ती है ना, खाने में बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन खाते हैं और उसी से हम ठीक होते हैं। उसी तरीके से ये जो बिजली की चमक है ये कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचाती है, लेकिन ये हमारे लॉन्ग लास्टिंग फायदे के लिए होती है। भाई प्रेजेंट टाइम जो है वो थोड़ा नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन बहुत ही लंबे टाइम के लिए ये हमें फायदा देने वाली होती है ना। तो वही चीज यहां पर दिया है कि ये नया जीवन देने वाली अद्भुत शक्ति है, कि जहां ये गिरेगी उतनी जमीन को नाश करेगी, ठीक है, ये निश्चित है कि उस जगह पे पेड़ पौधे घास अगर कोई प्राणी भी है तो भी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वही जमीन सबसे ज्यादा उपजाऊ रूप में सामने आती है। तो इसीलिए इसको बोला गया है क्या, जीवन देने वाली अद्भुत शक्ति है ये। वास्तव में विद्युत यहां ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है, हमारे अंदर एनर्जी का काम करती है जो बादलों के हृदय में छिपा हुआ है। बादल इसी शक्ति का प्रयोग विप्लव एवं परिवर्तन लाने के लिए करते हैं, विप्लव यानी कि नाश करने और परिवर्तन लाने के लिए करते हैं, जिससे संपूर्ण जगत में नई स्फूर्ति एवं चेतना का संचार होता है। प्रश्न संख्या 4 है, उत्साह कविता में कवि ने नई कविता करने वाले कवियों के लिए किस संबोधन का प्रयोग किया है, जो नई कविता करते हैं उन कवियों के लिए क्या संबोधन इस्तेमाल किया है। उत्साह कविता में कवि ने नई कविता करने वाले कवियों के लिए कवि नवजीवन वाले संबोधन का प्रयोग किया है। क्या ध्यान दीजिएगा, कवि नवजीवन वाले, क्या है, कवि नवजीवन वाले, ऐसे कवि जो नया जीवन देने वाले होते हैं, क्योंकि उनकी कविताएं जो कवि कविताएं लिखते हैं उनमें जो है ना हमेशा हमारे लिए कुछ नया होता है, हमको नया जीवन, जैसे मान लीजिए हम निराश हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं, तो कुछ कविताएं हमारे अंदर वो निराशा हटा देती हैं और जोश को भर देती हैं, है ना। तो वही चीजें क्या, वो कवि क्या होते हैं, नवजीवन देने वाले होते हैं, क्योंकि महाकवि निराला का मानना है कि सामाजिक क्रांति या परिवर्तन में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात अगर समाज में कोई भी चीज गलत है या बुरी हो रही है तो साहित्य उसमें एक क्या कहते हैं एनर्जी फूंकने का काम करती है, प्रोत्साहित करने का काम करती है। अब आप यहां पर पीछे चले जाओ, हमारे देश में जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस दौरान जो है बहुत सारे लोग जो हैं उस आजादी की लड़ाई में थे और बहुत सारे ऐसे थे तो जो अंग्रेजों की खिदमत में भी थे, लेकिन जहां साहित्य ने बहुत काम किया, बहुत सारी ऐसी कविताएं भाषण ऐसे निकल कर सामने आए कि लोग उससे उत्साहित हुए और उन्होंने वो अंग्रेजों की तीमारदारी छोड़कर अपने आप को आजादी की लड़ाई में झोंक दिया, ऐसे बहुत सारे लोग हुए। तो इसीलिए साहित्य जो है वो समाज के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। वे साहित्य को सामाजिक क्रांति का वाहक बनाने वाले कवियों से अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर पूरे संसार में जोश का पौरुषमय स्वर भरने का आग्रह करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कवियों से कि जो उनकी कविताएं हैं उसमें वैसा ही जोश भरिए जैसे बादल से जब बिजली गिरती है जो उसका जोश होता है, इस तरह की जोश भरी कविताएं लिखिए जिससे उनको पढ़ने वाले लोगों के अंदर पौरुष जागे, समझे वो अपनी कर्मठता को और सही दिशा में अपना कार्य आगे करे। प्रश्न संख्या 5 है, बादल के हृदय में क्या छिपा है तथा वह किसका प्रतीक है।
तो बादल के हृदय में क्या छिपा है भाई देखें, बादल के हृदय में वज्र के समान विनाश एवं विध्वंस का उपकरण छिपा हुआ है। क्या दिया है, विनाश एवं विध्वंस, पूरी तरीके से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देने वाली शक्ति उसके हृदय में छिपी है। किसकी बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, जिससे नवीन सृष्टि का सृजन किया जा सकता है। यानी कि जब बिजली जो है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है तब नया सृजन होता है, यानी कि नया निर्माण होता है। एक पेड़ लगा हुआ है, सिंपल समझ लीजिए, एक पेड़ लगा है, उस पेड़ के नीचे एक इतना सा बीज आप गाड़ दो, ठीक है, वो नया नहीं पनपेगा। जब तक ये ऊपर वाला पेड़ गिरेगा नहीं, सूखेगा नहीं, तब तक वो नीचे वाला पेड़ पनप नहीं पाएगा, ठीक है। तो वही चीज है, ऊपर का पहले विध्वंस जरूरी है, हटना जरूरी है, तभी नई चीज उभर कर सामने आती है। तो वो विध्वंसकारी शक्ति क्या है, वो है आपका विद्युत, यानी कि बिजली, जो विनाश करेगी और उसके बाद नया संचार होगा, नया सृजन होगा। बादल प्यासे पीड़ित जन की प्यास बुझाते हैं तथा नई कल्पना करने वाले भी होते हैं। तो समझ में आ गया ना कि क्या होता है उनके हृदय में छिपा। उन्मन और विकल कौन है और क्यों, ठीक है, विकल मतलब बहुत ही ज्यादा व्याकुल है, और उन्मन का मतलब आपका क्या हो गया, जो परेशान है भीषण गर्मी से, बहुत ही ज्यादा निदाद मतलब भीषण गर्मी से परेशान है। तो ये कौन लोग हैं, ये धरती पे रहने वाले सभी जनमानस, इवन सभी प्राणी जो हैं वो परेशान है। और क्यों परेशान है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है। उन्मन और विकल बादल हैं, सारा जगत भयंकर गर्मी से परेशान है तथा जीव जंतु आदि बेचैन हो रहे हैं। प्राणी जगत की यह दयनीय दशा बादलों से देखी नहीं जा रही है, यही कारण है कि बादलों का मन कहीं नहीं टिक रहा, इसलिए बादल उन्मन और व्याकुल हो रहे हैं। तो उन्मन और व्याकुल जो धरती के लोग हैं भीषण गर्मी से, उनको देखकर बादल भी बहुत ही ज्यादा उन्मन और व्याकुल हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कवि ने बादलों को किस आकांक्षा को पूरा करने वाला बताया है। कवि क्या कह रहा है, बादल किस तरह की आशंकाओं को पूरा करता है, कैसी आशंकाएं हैं जिनको वो पूरा करता है। कवि ने बादलों को गर्मी से पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला तथा नई कल्पना एवं नए निर्माण के लिए क्रांति को संभव करने वाला बताया है। तो क्या बताया है कि गर्मी से जो प्यासे और पीड़ित जन होते हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने, भाई उनकी आकांक्षा क्या होती है, ठंडक और पानी, ये दोनों ही आकांक्षाएं किससे पूरित हो रही हैं, बादल से पूरित हो रही हैं, तथा नई कल्पना और नए निर्माण के लिए क्रांति संभव करने वाला बताया है। अब नई क्रांति अर्थात बदलाव करने वाला, और दूसरा चीज है नया निर्माण। अब जो बीज बीज पृथ्वी पर दबे हुए हैं वो नया निर्माण कैसे होगा, पानी पहुंचेगा तो उसमें आएगा, अर्थात क्या है, एक तरीके से पूरा बदलाव करने वाला बादलों को ही बताया गया है। इस प्रकार बादल प्राणियों के जीवन में नई आशा और उत्साह का संचार करते हैं एवं संपूर्ण प्रकृति को नई उमंग एवं जोश से भर देते हैं। जब ये बदलाव होगा, चारों तरफ ये बदलाव हमारे हमारे हक में होगा, तो जाहिर सी बात है हम खुश होंगे। अब इस समय धरती में क्या है, सभी लोग एक ही चीज से परेशान है, गर्मी से तो और पानी से प्यास लगी हुई है, तो उस दोनों को ही पूरा करने वाला काम कौन कर रहा, बादल। अब ये बदलाव जब बादल करेंगे तो सभी लोग खुश होंगे ना, तो वही चीज बताया गया है। कवि ने बादल को क्या क्या कहा है और क्यों, कवि ने बादल को क्या क्या कहा है और क्यों कहा है, तो क्या सारी बातें आपको बतानी है जो कविता में लिखी गई हैं। कवि ने बादल को कल्पना जैसे विस्तार के समान घने बाल वाला बताया है। सबसे पहले जैसे कल्पना हम लोग की बिना किसी मतलब जब हम लोग सोचते हैं तो उसकी अपनी कोई सीमा नहीं होती, उसी तरह बादल भी क्या है, उनका भी विस्तार उसी तरीके से हो रहा है जैसे कि कल्पना का विस्तार होता है। नव जीवन देने वाले कवि के समान बताया, नया जीवन, जैसे कवि एक कविता लिखता है उससे लोगों के अंदर नई संचार चेतना आती है, उसी तरीके से बादल को भी वैसा ही बताया गया है। अज्ञात दिशा से आए अनंत के घन इत्यादि बोला है, अनजान दिशा से आए ऐसे घन जिनका कोई अंत नहीं है ऐसा बताया गया है। बादलों के हृदय में वज्र के समान विनाश और विध्वंस का उपकरण छिपा हुआ है,
ताकि नवीन सृष्टि का निर्माण हो सके, ताकि नया सृष्टि ये सारी चीजें जन्म ले सके। सांस लेना किस स्थिति का परिचायक है? सांस लेना किस स्थिति का, अर्थात हमारे अंदर जीवन है इसी चीज का तो परिचायक है। अट नहीं रही कविता में फागुन ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य, पेड़ पौधों पर नए नए फूल पत्तों के उगने के रूप में अपनी शोभा को स्वच्छंद भाव से प्रकट कर रहा है। प्रकृति की इसी स्वच्छंदता को कवि ने सांस लेने के रूप में प्रकट किया है। अब इसको बताते, अब अगर आप सीधे बोलो तो सांस लेना परिचायक है कि अर्थात हम जीवित हैं। भाई साहब देखिए, अगर कोई व्यक्ति कुछ को कुछ होता है तो सबसे पहले सांस चेक करी जाती है ना कि हाँ भैया सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो वो सांस लेना किस चीज का परिचायक है कि हाँ हम अभी जीवित हैं। लेकिन ये जो कविता है अट नहीं रही, इस कविता में सांस लेने का तात्पर्य है कि चारों तरफ प्रकृति में जो है बदलाव हुआ, कहीं फूल खिल रहे हैं, कहीं नए नए पत्ते खिल रहे हैं, चारों तरफ प्रकृति में बदलाव हो रहा है और चारों तरफ प्रकृति सांस ले रही है, अर्थात वो पूरी तरीके से आजाद है अपना स्वरूप लेने के लिए। यानी कि प्रकृति की सुंदरता और शोभा वो निरंतर बढ़ती जा रही है, यानी कि वो खुलकर स्वच्छंद होकर अपने अनुसार इस पूरी धरती पर छा रही है। प्रश्न संख्या 10 है, उत्साह कविता में निहित उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। अब यह कविता हमें किस उद्देश्य से, पहली बात तो याद रखिएगा उत्साह कविता एक आवाहन गीत है जहां वो बादलों को बुलाने या क्रांति के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है। अब इसे एक बादलों को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ ध्यान दीजिए क्या है। उत्साह एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें कवि निराला ने बादलों के माध्यम से सामाजिक विकृतियों का विरोध करने पर बल दिया है। उनका मानना है कि समाज में परिवर्तन केवल क्रांति के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो ये कविता जहां बादलों को बुला रही है और इस धरती पर जितने भी परेशान लोग हैं उनकी परेशानी को दूर करने के लिए वो इन्होंने कविता लिखी, लेकिन इसके पीछे जो छुपी हुई बात है वो बादलों को प्रतीक तौर पर बता रही है। अब जो पीछे जो इसके मेन मोटिव छुपा है, उद्देश्य है कि इस पूरी धरती पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी चीज से परेशान है, जो चीज यहां पर दी गई है। तो उन्होंने बोला कि समाज में बहुत सारी बुरी चीजें फैली हुई, तो उन्होंने जैसे कि हम बादलों को बुला रहे हैं यहां के लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए, उसी तरीके से सामाजिक विकृतियों को दूर करने के लिए भी हम क्रांति को ही बुला रहे हैं कि आइए क्रांति करिए ताकि कुछ बदलाव हो और ये सारी सामाजिक विकृतियां हट जाएं और समाज के लोग जो हैं वो खुश और प्रसन्न हो सके। तो एक तरीके से क्या है, ये मेन जो लिखी गई कविता ये आवाहन गीत है, बुलाने का है, लेकिन इसके पीछे जो है वो प्रतीकात्मक तौर पर बादल को रखा गया, इसीलिए इसे प्रतीकात्मक कविता भी कह सकते हैं। तो बात बादलों की हो रही है लेकिन बेसिकली उसके पीछे दबी छिपी जुबान में वो क्रांति करने की बात कही जा रही है। जैसे अंग्रेज थे तो बहुत सारा इन्होंने बहुत अनाचार फैला रखा था, लोग उनसे बहुत परेशान थे, तो फिर ऐसा लोगों को प्रोत्साहित किया जाता, नहीं आइए और आप भी इस क्रांति में, आजादी के होम में शामिल होइए और जो है इस पृथ्वी पर बदलाव लेकर आइए। प्रश्न संख्या 11 है, उत्साह कविता में कवि निराला के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? अब हमें उनका व्यक्तित्व निकालना है, हमें कविता के आधार पर उनका व्यक्तित्व निकालना है। तो देखिए यहाँ क्या है, उत्साह कविता में कवि निराला द्वारा बादलों का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया गया है। मनोहारी मतलब बहुत ही सुंदर चित्रण है जो उनके प्रकृति प्रेमी व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है। हमारे सामने ही आता है, दोनों ही कविताएं आप देख लीजिए, उत्साह देख लीजिए, अट नहीं रही, दोनों में पता चलता है कि वो प्रकृति प्रेमी है। मैंने जब आपको फर्स्ट वन शॉट रिवीजन कराया था इस चैप्टर का तो मैंने उसमें आपको बताया भी था ये चीज कि हमारे निराला जी प्रकृति प्रेमी रहे और प्रकृति प्रेमी में सबसे प्रिय सब्जेक्ट उनका बादल रहा है। तो वही चीज यहां पर बताया गया। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बादलों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का विरोध करने के द्वारा उनके विद्रोही वृत्ति का भी पता चलता है। तो जहां एक तरीके से प्रकृति प्रेमी उनको दिखाया जा रहा है तो इससे बहुत ही सरल व्यक्तित्व तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो उन्होंने उत्साह कविता में जो सामाजिक विकृतियां हैं उनको दूर करने के लिए जो क्रांति का आह्वान किया है तो वो कोई गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसका विद्रोह करते हैं, तो एक उनकी विद्रोही प्रवृत्ति भी हमारे सामने निकल कर
आती है। प्रश्न संख्या 12 है, अट नहीं रही है कविता में उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो के आलोक में बताइए कि फागुन लोगों के मन को किस तरह प्रभावित करता है। अब ये बात है, देखिए प्रैक्टिकली इसको चीज को हम आपको पहले बता रहे हैं, फिर देखिएगा। जब हमारे सामने बहुत सारी सुंदरता हो, अब आपको वो सुंदरता कहाँ दिखी? पहाड़ों पे दिखती है, ठीक है। आप पहाड़ों पे कहीं जाओ तो पहाड़ों पर दिखेगी, या आप समझ लो फागुन मास की सुंदरता है, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, हरियाली छाई हुई है, सब कुछ सुंदर है। तो आपको सिर्फ विजन कितना आ रहा है, सामने इतना विजन आ रहा है जितना सामने सुंदरता है, ये आपका विजन है। लेकिन अगर आप इसी का एंगल बदल दो, आप अगर उस पर आसमान से उसको देखो तो आपको तो बहुत सारी सुंदरता चारों तरफ दिखाई देगी ना। तो हमारा मन क्या कर रहा है कि ये सारी हम इतनी ही सुंदरता क्यों देखें? हमारा मन कर रहा है कि हम आसमान में उड़े और चारों तरफ जितनी सुंदरता है हम उन सबको देखें। तो वही चीज उन्होंने बताई, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, अर्थात इतना मन हरियाली सुंदरता चारों तरफ छाई हुई है कि उसको देखने के लिए हमारा मन करता है कि हम आसमान में उड़ जाएं और सारी सुंदरता को देखें। फागुन अर्थात वसंत ऋतु के आगमन पर पेड़ पौधों पर नए नए फूल पत्ते उग जाते हैं, जिससे चारों ओर हरियाली छा जाती है। प्रकृति का यह मनमोहक रूप कवि के हृदय में उत्साह एवं उमंग का संचार करता है, जिससे कवि का मन उत्साह एवं उमंग के पंख लगाकर कल्पना लोक के आकाश में उड़ने का करता है। यानी कि वो इस सुंदरता को देखकर इतना ज्यादा उत्साहित हैं, तो वो जो इमेजिन कर रहे हैं वो इमेजिनेशन ही लेकर इस पूरे आकाश में उड़ जा, मतलब वो आंखें बंद करना चाहते हैं और बंद करके जो है वो इमेजिन कर रहे हैं कि मैं चारों तरफ जो है उड़ रहा हूं और इस सारी सुंदरता को अपने अंदर भर रहा हूं। प्रश्न संख्या 13 है, फागुन के प्रभाव से पेड़ों की डालियों का स्वरूप किस तरह का हो गया है? अब पेड़ों की जो डाली है वो कहीं हरे और कहीं लाल पत्तों से पूरी तरीके से ढक भर चुकी हैं, तो वो देखने में इतनी कलरफुल इतनी बढ़िया लग रही हैं, जैसा लग रहा है कि फागुन मास में जो है प्रकृति ने एक सुंदर फूलों की माला को धारण किया हुआ है। तो किस तरीके से लग रही है ये डालियां? फागुन के आगमन में पेड़ों की डालियां पत्तों से भर गई हैं और हरे पत्तों के कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा दिखाई दे रही है। डालियों पर चटकी हुई कलियों से लाल रंग के पुष्प दिखाई दे रहे हैं। अब कहीं हरी कहीं लाल का तात्पर्य क्या है? वो जो चटके हुए फूल है वो दिखाई दे रहे हैं। डालियों पर लिपटे इन सुगंधित नव पल्लवित पुष्पों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फूलों की मालाएं उनके गले में डाल दी गई। मतलब ये जो वन उपवन जहां पर ये सारे फूल पत्ते खिले हुए हैं, जो डाली पत्ते और फूलों से लदी हुई है, उनको देख के ऐसा लग रहा है इस उपवन में किसी ने माला पहना दी हो। इतना सुंदर वो वर्णन उन्होंने किया। अब देखिए इतने बढ़िया बढ़िया उन्होंने शब्द लिए हैं कि इससे अच्छा बढ़िया वर्णन सोचना भी हम लोग के लिए मुश्किल पड़ रहा है। प्रश्न संख्या 14 है, पट नहीं रही है पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? अट नहीं रही कविता के आधार पर बताइए क्या है। भाई देखिए पट नहीं रही पंक्ति क्या कहना चाहता है, मतलब है कि इतनी सुंदरता है कि वो इस पूरे वातावरण में धरती पर चारों तरफ फैली है और समान नहीं पा रही है। अट नहीं रही कविता में कवि फागुन मास की मादकता एवं सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता है। प्रस्तुत पंक्ति कौन सी है? पट नहीं रही है के माध्यम से कहना चाहता है कि सब जगह सुंदरता फैली पड़ी है, अर्थात बिखरी पड़ी हुई है। रंग बिरंगे फूल पत्ते इस तरह छा गए हैं कि मानो वे फागुन के तन में समा नहीं पा रहे हैं। फागुन का सौंदर्य बाहर प्रकट हो रहा है। अब कहने का तात्पर्य है कि फागुन को एक स्त्री के रूप में बता दिया गया है, वो इतना सुंदर है कि वो सुंदरता उसके अपने शरीर में समा नहीं पा रही है और चारों तरफ बिखर रही है। तो यहां पर पट नहीं रही का तात्पर्य है, अब इसको एक्चुअली में तो फागुन को एक स्त्री नहीं होती ना, वो तो एक मास है, तो उसके अकॉर्डिंग कहना है कि इनका सीधे सीधे इसका कहने का तात्पर्य है कि चारों तरफ इतनी सुंदरता है कि ये पूरी पृथ्वी पर समा ही नहीं पा रही है, निकल निकल कर इधर उधर इधर जिधर हम देख रहे हैं, मतलब इसका मतलब है कि चारों तरफ बहुत ही सुंदरता व्याप्त है, बेसिकली वो यही कहना चाहते हैं।
प्रश्न संख्या 15 है, उत्साह और अट नहीं रही है, कविताओं के आधार पर निराला के प्रकृति चित्रण की विशेषता बताइए। अब देखिए दोनों ही, एक कविता है आपकी बादलों पर और दूसरा है फागुन मास पर, इन दोनों ही कविताओं के माध्यम से कवि ने प्रकृति का ही जो है वो स्वरूप लिया और वो कितना प्रकृति प्रेमी है ये भी हमने देख लिया। तो प्रकृति का जो चित्रण वो कर रहे हैं हमें वो उसकी विशेषताएं बतानी है। उत्साह कविता में निराला एक जोशीले गर्वीले एवं उत्साही कवि के रूप में बादलों की तरह चारों ओर घूम घूम कर लोगों के दुखों एवं कष्टों को समाप्त करने के लिए बादलों से आवाहन करते हैं कि भाई सभी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तो आप आइए और जो है इन सभी लोगों के दुखों और तकलीफों को दूर करिए। तो ये वो कह रहे हैं। फिर अट नहीं रही कविता में उन्होंने प्रकृति के मानवीयकरण में अपनी सिद्धता साबित की है, यानी कि जब ये कविता हम पढ़ रहे हैं अट नहीं रही, तो इसमें इन्होंने प्रकृति का क्या कर दिया, पूरी तरीके से मानवीयकरण कर दिया। तभी तो उसको बोला था ना कि उसके शरीर में समा नहीं पा रही, फागुन की सुंदरता जो है वो उसके शरीर में समा नहीं पा रही और चारों तरफ फैल रही। अब शरीर किसका होगा, मानव का होगा, और फागुन क्या है, वो प्रकृति है, मास है वो। तो अब इस कंडीशन में क्या उसको कर दिया, उन्होंने मानवीयकरण कर दिया, प्रकृति का मानवीयकरण कर दिया। इन दोनों कविताओं में प्रकृति की कोमलता, सुंदरता एवं मनोरम शोभा का अत्यंत सजीव वर्णन है। तो ये हमको तो पता है कि निराला जी जो है वो प्रकृति प्रेमी कवि हैं, प्रकृति पर खूब कविताएं लिखते हैं। तो इससे सीधे सीधे सामने हमको जो निकल के आ रहा है वो है उनकी कोमलता, यानी कि प्रकृति की कोमलता से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, उसकी सुंदरता से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, और वो उसकी मनोरम शोभा यानी कि जो चारों तरफ उस शोभा को बिखेरता है उससे भी अच्छी तरह वाकिफ है। तो बेसिकली देखा जाए तो वो प्रकृति के करीब रहने वाले व्यक्ति हैं, जो प्रकृति के स्वरूपों से हर तरीके से प्रेम करते हैं और उनके मन से वो प्रकृति की सुंदरता कविताओं के माध्यम से व्यक्त होती है। प्रश्न संख्या 16 है, उत्साह एवं अट नहीं रही कविताओं के आधार पर कवि की भाषा शैली पर अब हमें टिप्पणी करनी है, यानी कि अब हमें ये बताना है कि ये जो दोनों कविताएं लिखी गई हैं इसमें किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। उत्साह एवं अट नहीं रही कविताओं में कवि निराला ने संस्कृत शब्दावली का प्रयोग करते हुए खड़ी बोली में काव्य सृजन किया है। अब याद रखिए जो संस्कृत वाले शब्द हैं वो ही लिए गए हैं, ठीक है, और दूसरी चीज यह है कि खड़ी बोली में इन्होंने लिखा है। तो काव्य सृजन का तात्पर्य होता है, सृजन मतलब होता है कोई नया निर्माण करना, तो काव्य लिखा है, ठीक है। अब देखिए अपनी कविता लिखी है उससे अच्छा तो नया शब्द यह है ना कि काव्य का सृजन किया है ना, अच्छा लगा ना पढ़ने में। तो इसी तरीके से मैं बोल रही हूं, इन शब्दों को आप लोग लीजिए, अपनी बोली में भी लीजिए और अपने लेखन में भी लीजिए, तो इससे क्या होगा ना, आप काफी हद तक नए शब्दों से परिचित होते रहेंगे। कवि ने बादलों को क्रांति के सूचक व साहित्य कार्य को सामाजिक परिवर्तनों के मार्गदर्शक के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। तो उन्होंने बादलों क्या बताया, क्रांति का सूचक बताया, क्रांति अर्थात बदलाव का सूचक बताया। साहित्यकार को सामाजिक परिवर्तनों का मार्गदर्शन, यानी कि साहित्यकार कौन हुए, जैसे उसमें कवि का नाम लिया, कवि क्या होते हैं, हमेशा लोगों को नया दर्शन कराते, मतलब मार्गदर्शन कराते हैं कि आपके लिए सही रास्ता कौन सा है, आपको किस रास्ते पर जाना है, ये कराते हैं। कहीं सांस लेते हो में मानवीयकरण और घर घर भर देते हो में अनुप्रास अलंकार आदि का प्रयोग हुआ है। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि इन्होंने अलंकारों का इस्तेमाल भी बड़ा अच्छा किया, मानवीयकरण अलंकार लिया तो वहीं अनुप्रास अलंकार भी लिया इन्होंने। उसी तरीके से आप देखेंगे कई जगह बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है, आपने रूपक अलंकार भी देखा, उपमा अलंकार भी देखा, बहुत सारे अलंकार है इसमें। अतः कवि की भाषा शैली अत्यंत सहज, सरल एवं प्रभावमय है। सहज यानी आसानी से समझ में आ रही है, सरल यानी कि शब्द एकदम सरल है, प्रभावमय है कि मतलब सरल सहज होते हुए भी हमारे ऊपर वो प्रभाव को छोड़ रही है पूरी तरीके से, पढ़ने के बाद हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। प्रश्न संख्या 17 है, बादलों की गर्जना का आवाहन कवि क्यों करना चाहता है।
उत्साह कविता के आधार पर, क्यों वो कह रहे हैं कि बादल आकर गरजे। आखिर क्यों वो बादलों को सिर्फ गरजने के लिए बुला रहे, कह रहे ना गर्जन का आवाहन कवि ने क्यों किया, यानी कि उन्होंने बुलाया कि गरजने के लिए उन्होंने क्यों बुलाया। कि पहले तो उन्होंने बोला ना आओ घरा घर ओ गरजो, बरसो बादल गरजो, बरसने का बात तो नहीं। पहले उन्होंने भाई हम अगर बादल को बुलाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई बरसो गर्मी है, लेकिन उन्होंने गरजने के लिए क्यों बुलाया। बादलों की गर्जना का आवाहन कवि इसलिए कर रहा है क्योंकि बादल वर्षा करके पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करके उसके जीवन की आशा उत्साह नई चेतना का संचार करते हैं। बादलों के बरसने से संपूर्ण सृष्टि उत्साहित और आनंदित होती है। तो देखिए जब बादल बरसते हैं तो हम जितना परेशान थे हमारी सारी परेशानियों को वो हर ले जाता है, लेकिन गरजना उसके लिए होता है हमारे मन में उत्साह भरने के लिए, जोश भरने के लिए। अर्थात जो बदलाव हम करने वाले हैं वो बदलाव को सहन करने के लिए, उस बदलाव में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए वो गरजना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो गर्जना नहीं होगी तो शायद हम उस बदलाव में अपने आप को सेट ना कर पाए, तो इसलिए उन्होंने गर्जने का आवाहन किया है। प्रश्न संख्या 18 है, अट नहीं रही कविता के आधार पर वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन कीजिए। अब हमने पूरी कविता पढ़ी, फागुन मास बताया गया, लेकिन यहां पर उन्होंने क्या बोला, वसंत ऋतु। अब वसंत ऋतु में जो भी बदलाव होते हैं जो इस कविता में दिए गए हैं वो सभी आप यहां पर मेंशन कर दोगे। जैसे दिया गया है वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि वसंत ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है। बात सही है, इतनी सारी ऋतुएं हैं लेकिन इन सारी ऋतुओं में सिर्फ वसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिस दौरान सबसे ज्यादा खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण होता है तथा चारों ओर फागुन की शोभा समाई हुई है। ठीक है, वो फागुन मास की शोभा बढ़ी हुई है। इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं, फूलों की खुशबू प्रकृति को सुगंधित कर देती है, डालियां कहीं लाल तो कहीं हरे फलों से लद जाती हैं। तो ये जितना भी हमने उसमें दिया है ना, फूल होते हैं, सुगंध होते, जितना भी दिया है कविता में आप देख लो, डालियां जो हैं वो हरे लाल पत्तों से भर जाती हैं, चारों तरफ फूल, हर घर में बाहर सब जगह होता है। डालियों को देखकर ऐसा लगता है कि वन ने जो है माला ग्रहण करी है, चारों तरफ खुशबू होती है, सभी प्राणी बहुत प्रसन्न होते हैं, मनोहर वातावरण होता है। तो जितनी चीजें हैं आप आसानी से लिख सकते हो, जितना समझ में आया कविता पढ़ने पर आप आसानी से फ्री हो उसको लिखने के लिए। प्रश्न संख्या 19 है, अट नहीं रही कविता के आधार पर फागुन में उमड़े प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब यहां पर फागुन में जो प्राकृतिक सौंदर्य आ रहा है आपको उसे यहां पर बताना। देखिए वसंत ऋतु में और फिर फागुन में दो अलग चीजें, ऋतु में जो सौंदर्य है वो फागुन में भी है, लेकिन आपको यहां पर कविता में फागुन का सौंदर्य बताया गया है वो भी आप उसी तरीके से करोगे। देखो यहां पर क्या, फागुन मास में प्राकृतिक सौंदर्य का चरमोत्कर्ष देखा जाता है, यानी कि वसंत ऋतु में जो फागुन का महीना होता है वो सबसे ज्यादा चरम पर होता है। वसंत ऋतु शुरू होती है ना तब प्राकृतिक बदलाव शुरू होता है, ध्यान रखना कि धीरे धीरे पेड़ फूल पौधे उगना शुरू करेंगे, लेकिन फागुन मास तक ये सभी अपने चरम पर, यानी कि पेड़ जो होते हैं वो पूरी तरीके से हरे लाल पत्तों से भर चुके होते हैं, फूल पूरी तरीके से खिल चुके होते हैं, सब कुछ एकदम चरम पर पहुंच चुका होता है। यही फर्क है वसंत ऋतु में, जहां ये बदलाव शुरू होता है फागुन मास आते आते तक, क्योंकि वसंत ऋतु पहले शुरू होती है फागुन मास बाद में होता है, तब तक ये अपने चरम पर पहुंच चुका होता है। ये मास वसंत ऋतु का स्वागत मास है, वृक्षों की डालियों पर हरे पत्तों और लाल कोपलों के मध्य सुगंधित रंग बिरंगे फूलों की शोभा ऐसी प्रतीत होती है कि वृक्षों के गले में सुगंधित पुष्पों की मालाएं पड़ी हों। सर्वत्र उल्लास उत्साह और प्रफुल्लता का वातावरण छा जाता है, मानव मन पर भी इस सौंदर्य का व्यापक प्रभाव पड़ता है। अब चारों तरफ इतनी सुंदरता इतनी सुगंध, तो हमारे मन पे भी उसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। और फागुन मास के सौंदर्य से अभिभूत होकर उसे अपलक निहारने को मन करता है, यानी कि बिना पलक झपकाए हम इस सुंदरता को निहारते रहना चाहते, इतनी सुंदरता चारों तरफ विद्यमान होती है। तो देखा हमने
दोनों कविताएं पढ़ ली हमने, अच्छे से समझी, सभी तरीके के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न कर लिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कर लिए, सब कुछ हो गया। तो एक तरीके से ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से रेडी हो गया, लेकिन अभी भी इसका पैटर्न बाकी है, वो है पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैप्टर के, तो वो भी मैं लेकर आऊंगी। लेकिन पहले मैं इस बुक के सारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से दे दूंगी, उसके बाद एंड में मैं इसके पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर चैप्टर वाइज लेकर आऊंगी। तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो यहाँ खत्म हुआ, साथ में सभी पैटर्न खत्म हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, यानी कि उसका फटाफट हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर है नागार्जुन द्वारा लिखी ये तैयार दंतरित मुस्कान और फसल, दो कविताएं हमारे सामने रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।